जयपुर के हवाबैल सीट से विधायक बने बाबा बाल मुकुंद आचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि सड़कों किनारे नॉनवेज फूड नहीं बेचा जाना चाहिए। इसके बाद उनका एक और सोशल मीडिया पर वीडियो आता है जिसमें वो सफाई देते हुए नजर आते हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव हुआ, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आए। जयपुर के हवा महल सीट से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बाल मुकुंद आचार्य ने कांग्रेस प्रत्याशी आरआर तिवारी को 974 वोटों से हराकर जीत हासिल की। बाल मुकुंद आचार्य अखिल भारतीय संत समाज राजस्थान के प्रमुख है और लाइसेंस इनके पास है नहीं। इनके पास सुनो, उसके कोताल मत बरतना, दिमाग से निकाल देना। मैं मिठाई खाने वाला नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ 1% गलती कर दिए, आरोप आप पे आएगा। दिमाग से बिल्कुल निकालना, मिठाई नहीं खाऊंगा मैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप तो लाइसेंस पूछ लो और 25 मिनट का कब्जा जो कराया उसके बारे में पूछ लो। 40 फुट का कब्जा। एक के पास भी लाइसेंस नहीं है, एक के पास भी यहाँ टूरिस्ट आएगा कैसे? टूरिस्ट आएगा कैसे? यहाँ गंद मचा रखी है। कराची बनाना चाहते हो? ये अपरा काशी है। गो माता का मान बेच रहे, गो माता का, कहाँ गो माता का? गाय को सभ्यता बोलते हैं महाराज, गाय को सभ्यता। अब हम लोग समझते नहीं है, ये पीछे कर आते रहा, ये क्या करता है यहाँ? खाले पे खाले पर आके मत दिखाना, आके बिल्कुल मत दिखाना। बाबा बबाल है, और चांदी की टकसाल पर रोड पे सारी नॉन वेज की दुकान कृपया हटा दीजिए, इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने। लेकिन नॉन वेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो। आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। इसके बाद एक और वीडियो आया जिसमें बाबा बाल मुकुंद बहुत सारे लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं। उसमें से एक मुस्लिम महिला कहती है कि जिस प्रकार की भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं उससे दूर रहे। किसी की भी गोश्त की दुकानें बंद नहीं किया जा रहा, किसी का भी व्यापार बंद नहीं कराया जा रहा। जो अतिक्रमण किया जा रहा है वो संविधान पर भी लिखा गया है कि हटाया जाए। इसके अलावा बीजेपी की सरकार में आप सभी को उतना ही सम्मान मिलेगा जितना किसी हिंदू भाई को मिलता है। गुजारिश करूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि जो हवाई मतलब जो मुस्लिम भाई रहते हैं तो उनसे गुजारिश करूंगी कि हम लोग अल्लाह से डरते हैं, हमें किसी डरने की जरूरत नहीं है। और जो ये सब भातियां फैलाई जा रही हैं इनसे दूर रहें। ना कोई आपकी गोश्त की दुकानें बंद हो रही हैं, ना आपका कोई गोश्त का काम बंद हो रहा है, ना आपकी कोई होटलें बंद हो रही हैं। जो अतिक्रमण है वो तो हमारा संविधान भी कहता है कि उसको हटाया जाए, तो उसी पे काम कर रहे हैं। बाबा की तरफ से ये गारंटी हम आपको देते हैं कि आपके साथ कोई दोगलापन नहीं होगा और बीजेपी की सरकार में आपको उतना ही सम्मान मिलेगा जैसा एक हिंदू भाई को मिलता है। जय हिंद। इससे पहले बाबा बालकनाथ का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें वो सफाई देते हुए नजर आए थे। उसमें वो कहते हैं कि किसी भी मांस की दुकान को बंद नहीं कराया जा रहा है, अवैध रूप से जो संचालन किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसमें हिंदू मुस्लिम जैसी कोई भी बात नहीं है, वहां पर जितने भी दुकान है वो सभी बांग्लादेशी है। विदेश से पर्यटक आते हैं, यहाँ की फोटो खींच कर लेकर जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब होती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आसपास में कई सारे मंदिर है, यहाँ से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई शिकायतें भी उन तक पहुंच कर आई है। ये पूरा मामला पिछले 2 दिन से सुर्खियों में था। इस पर आपकी क्या राय है ये आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइए।